तो ऐसे ऐसे लर्नर्स अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, पढ़ता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें देखिए पहला वाला बोला गया है, इसमें एवरी डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। क्या बोला है? एवरी डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। हर एक डेसिमल नंबर है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या हम कह सकते हैं ऐसा? नहीं, बिल्कुल फॉल्स है ये। क्या है ये? फॉल्स है ये। फॉल्स कैसे है? अब देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये आपको बता दिया होगा, आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। अब देखिए अगर हम कोई भी इरेशनल नंबर लेते हैं, इरेशनल नंबर लिया, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। अब इरेशनल नंबर को हम डेसिमल नंबर कह सकते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते, ना ही रैशनल नंबर कह सकते, ठीक है। क्योंकि इरेशनल नंबर जैसे होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। जैसे रूट टू को नहीं लिख सकते आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पाई को नहीं लिख सकते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट है ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। क्या बोला है इसने सेकेंड पार्ट इसका? ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सभी क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं, यहां पर बोला गया है। अब देखिए फ्रैक्शन और रैशनल नंबर बात एक ही है। फ्रैक्शन क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। तो यहां हम क्या कह सकते हैं? ये ट्रू है। वही बात कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।